मरमर छात्र छात्री मैं आज तुम लोग भारत दर्शन पार्टिर सेकेंड पार्ट आलोचना लैसो तुम लोग भिडिओ भलरे मन दबा और शुनबा और पार्टी बुझे चेस्ा करा आज आम अक्टोबर दुहजार एगार दस अक्टोबर दुहजार एगार भारतवर्ष कौनबाक ठाई दर्शन कर ले ठाई सम्पर्क आसे गति आज आलोचना करम। 6 अक्टोबर 2011 हमने गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज और एलिफेंटा की गुफाएं देखी। तो कैसे कि चाले गेटवे ऑफ इंडिया भारतवर्षर मुम्बई थका जी गेट हे गेटखन क्या है गेटवे ऑफ इंडिया आनहते इंडिया दिल्ली थका जी गेट हे गेटखन क्या है इंडिया गेट। एक कथा तो मन में रखा कि चाले कैसे गेटवे ऑफ इंडिया होटल ताज और एलिफेंटा की गुफाएं देखी। गेटवे ऑफ इंडिया मुम्बई की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है और गेटवे ऑफ इंडिया मुम्बईर आटाइटक पुरानी ऐतिहासिक इमारत। इसके पास ही समुद्र के किनारे अपनी विशालता को प्रदर्शित करता होटल ताज भारत की गौरव गाथा सुनाता है और यारे ऊसते निजे ऊसते समुद्र पारत थका जी विशाल होटल ताज होटल बुली क्या है ताज होटल भारतवर्षर गौरव कथा शुना जिसका निर्माण भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने 1903 में करवाया था और ये जी होटल पंचतारका होटल हे पंचतारका होटल निर्माण कराई उद्योगपति जमशेदजी टाटा 1903 सन। मुंबई में 26 नवंबर 2008 की रात को हुए आतंकवादी हमले में इस होटल की होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा और यहां कई लोग शहीद हो गए। 26 नवंबर 2008 तारीख आतंकवादी उग्रपंथी इतना कि आक्रमण करमण होटेल जथेष क्षय क्षति और कईगो व्यक्ति इत शहीद। हमने होटल के बाहर उन शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और तहत कि तहत जिस शहीद होखेत श्रद्धांजलि ज्ञापनार्थे मोमबत्ति ज्वलाय मन पेलाले श्रद्धांजलि ज्ञापन करिले। उसके बाद हम एलिफेंटा की गुफाए देखने गए तार पासत कोलोई गोल तेउलोक एलिफेंटार जी गुफा आसिले गुहा हे गुहा बिलाक साबले गोल। ये गुफाए समुद्र के बीच में स्थित एक छोटे से द्वीप में है और ये गुफा बा गुहा बिलाक कोत आसे बुली कइसे समुद्रर माने पारत थका एटा होरु द्वीपत आसे। एलिफेंटा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर बड़े ही कलात्मक ढंग से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है और जो हिल काटि काटि कि करा होइसिले कलात्मक रूपत माने मूर्ति बनवा मूर्ति समूह तक धुनिया के सजा थोड़ा आसे। शाम के 7:40 बजे हमारी गाड़ी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई और गधूली 7:40 गाड़ी मुंबईर पर दिल्ली ले आगे। 7 अक्टूबर 2011 सुबह करीब 9:30 बजे हमारी गाड़ी भोपाल जंक्शन में खड़ी थी। रातिपुआ प्राय 9:30 बजा तेउलुकर गाड़ी खन भोपाल जंक्शन रोइसिले। भोपाल का नाम देखते ही मुझे भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी याद आ गई जो हमने किताबों में पढ़ी थी और भोपाल नाम तो देखार लगे लगे तहत तेर कि भोपाल जी गैस ट्रेजेडी हुई गैस ट्रेजेडिर कथा मन में जी कथा कितपत पढ़ी। 1984 में अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और ये जी दुर्घटना हुई दुर्घटना प्राय 20,000 मानु मृत्यु और दुर्घटना तो 1984 सन। भोपाल गैस कांड का कुप्रभाव आज तक वायु प्रदूषण भूमि प्रदूषण जल प्रदूषण तथा अन्य रूपों में जारी है और भोपाल जी गैस दुर्घटना है गैस दुर्घटनार जी कुप्रभाव आजीव तक देखा जाए वायु प्रदूषण रूपे भूमि प्रदूषण रूपे पानी प्रदूषण हिसाब से तक आजीव
देखा जाए। उसके बाद हम झांसी होते हुए शाम को लगभग 4 बजे ग्वालियर पहुँचे और तार पासत झांसी हुए लगभग 4:30 बजा ग्वालियर पासी गई। गर्मी कुछ अधिक ही महसूस हुई और गरम खूब बेसिये अनुभव हो। दूर दूर तक दिखाई देने वाले खेतों में भी हरियाली बहुत कम ही नज़र आती थी और दूर दूर पर दिखाई दिया जी खेती पथार आ हेउजिया जी हो थकिब लगे कि कम देखा पासी। रात को लगभग 9:30 बजे हम नई दिल्ली पहुँचे और राति प्राय 9:30 बजा पासी बुली कैसे नतुन दिल्ली पासी गए। 8 अक्टूबर 2011 आज सुबह हम सभी दिल्ली दर्शन के लिए एक टूरिस्ट बस में बैठे 8 अक्टूबर दिनाखन रातिपुवाय दिल्ली दर्शन करिबर कारणे एखन टूरिस्ट बासत उठिले। दिनभर हम बस से दिल्ली के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में घूमते रहे। गोटे दिन तो भारतवर्षर दिल्लीर जीवन दर्शनीय स्थल आसे सही दर्शनीय स्थलबिल घूरी फुरीले। जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, वहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि प्रमुख थे। जार भर विशेषक राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, वहाई प्रार्थना केंद्र, जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर आदि मुख्य आसिल। टूरिस्ट गाइड ने हमें बताया कि भारत का राष्ट्रपति भवन दुनिया के विशालतम भवनों में से एक है और टूरिस्ट गाइडगढ़ जानाले जो भारतवर्षर जी राष्ट्रपति भवन हे राष्ट्रपति भवन पृथ्वीर विशालतम भवन बिलाकर भितरत अन्यतम भवन। परिसर में एक विशाल उद्यान भी है जो मुगल गार्डन नाम से प्रसिद्ध है और भवनर आगफाले एखन विशाल उद्यान आसे जिखन उद्यानक मुगल गार्डन बुली कुआ होय। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि यो महत्वपूर्ण स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था और जी इंडिया गेट आसे दिल्ली थे इंडिया गेट खन बनाइसिले किहर कारणे प्रथम विश्व युद्ध जी हकल सैनिके प्राण आहुति दिसिले तेउलुकर हे शहीद हकलर स्मृति माने स्मृति राखिबर कारणे हे इंडिया गेट बनुवा होइसिले। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले से कुछ ही दूरी पर स्थित जामा मस्जिद के बारे में हमें टूरिस्ट गाइड ने बताया कि यो मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तार पासत तेउलुकर टूरिस्ट गाइडगढ़ जानाले जे जामा मस्जिद होइसे भारतवर्षर आटाइतकै पुरानी आरु डांगर मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था और ये मस्जिदर निर्माण कोने कराइसिले सम्राट शाहजहां कराइसिले केतिया कराइसिले 17वीं शताब्दीर माझभागत कराइसिले। दिल्ली शहर में घूमते हुए हमने देखा कि भारत की राजधानी दिल्ली प्राचीन और गतिशील इतिहास के साथ एक चमकदार आधुनिक शहर है और दिल्ली शहर घूरी फुरुते कथा अनुभव करिसिले जे दिल्ली शहर होइसे पुरानी और नतुन संमिश्रणत गढ़ लै उठा एटा एखन आधुनिक शहर। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों के साथ एक समकालीन शहर होने का अनुभव कराती है और जी नई दिल्लीर रास्ता पदूलिबी चौड़ी बुली कैसे चौड़ी माने से आहल बहल और ऊख ऊख जीवन इमारत आसे सही इमारतबे समकालीन शहर जी माने गौरव है गौरवर कथा कब विचार। जबकि पुरानी दिल्ली की सड़कें और तंग गलियां हमें इसकी प्राचीनता एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताती है। आनहाते पुरानी दिल्लीर जीवन ठाई आसे सही ठाईबाक रास्ता पदूलि चुटी चुटी माने ठेक ठेक और जीवन माने ऐतिहासिक स्तम्भ सम्बल आसे सही सम्बलबाके विशेषक ऐतिहासिक महत्वर कथा कब विचार। यहाँ ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक महत्व के सकड़ो स्थान है और जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व थका बहुत स्थान आसे। 9 अक्टूबर 2011 वर्षों से मेरे मन में विश्व के अन्यतम आश्चर्य ताजमहल को देखने की तमन्ना थी। तेउ कैसे जे बहुत बसर आगर पराय मोर विश्वर आश्चर्य
जी ताजमहल है ताजमहल सुवार हेपाहटा आसिल। आज हमें सफ़ेद रंगमरमर से बने इस सुंदर इमारत को करीब से छूकर देखने का मौका मिला और आज ही इमारतक सुवार सुई सुवार एटा सुविधा लाभ करिलु। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो उर्फ मुमताज महल की याद में बनवाया था और बादशाह शाहजहां ने तेर पत्नी अर्जुमंद बानो उर्फे मुमताज महल नाम माने तेर नाम बनाइसिले तेर नाम अनुसरी तेर यादर कारणे बनाइसिले मन रखार कारण बनाए मरम कारण बनाए और तर नाम अनुसरी यार नामकरण करा हुई ताज महल बुरी 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1983 सन में विश्व सत्ता जी माने धरोहर स्थल बा आश्चर्य ठाई है आश्चर्य माने इमारत हिसाबे इक घोषित करा हुईसिले। ताजमहल मुगल वास्तुकता का उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल हुईसे मुगल वास्तुकतार एटा उत्कृष्ट नमूना। यहाँ हम सभी ने खूब फोटो खींचे। यात आमी सकलोए बहुत फोटो उठिलु। ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा का किला भी हमें देखा और ताजमहल पर 2 किलोमीटर दूर थका आगरा जी किला है किला देखिले। यो भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है और जीटो भारतवर्षर आटाइतकै महत्वपूर्ण किला बुली कुआ है। हमने आगरे के मशहूर पेठा का स्वाद भी चखा और कुछ साथियों ने घर के लिए भी खरीदा और आमार माजरे आमी दिल्लीर एटा उल्लेखयोग्य मिठाई हैछे पेठा। पेठा है पेठा खालू और आमार लगर बहुते घरले आनिबर कारणे किसुमाने किनिले। 10 अक्टूबर 2011 दिल्ली से गुवाहाटी की गाड़ी आज रात की थी और आज 10 अक्टूबर आज आम पुनः घर ले घूरी जा लगे गति के दिल्लीर पर गुवाहाटीलेर गाड़ी आसिल। शाम को हम कनाट प्लेस और चांदनी चौक घूमने गए। राति गधूली समय कनाट प्लेस और चांदनी चौक फुरीबले गोल। हम सभी ने वहाँ कुछ छोटे मोटे सामान भी खरीदे और सकुए तक सुरा बस्तु किनिले। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक घड़ी और दादाजी के लिए खादी का कुर्ता खरीदा और किनिले भनियेकर कारण एक घड़ी और ककाद कारण खादी कुर्ता किनिले। यो शिक्षामूलक भ्रमण वास्तव में हमारे लिए बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद रहा और ये जी शिक्षामूलक भ्रमण है शिक्षामूलक भ्रमण तेलुकर कारण वास्तविकते कि आसिल बुली कैसे मजेदार और शिक्षाप्रद बहुत आनंददायक और शिक्षाप्रद आसिले। हमें बहुत सी बातों को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अनुभव करने का अवसर मिला और तेलुके बहुत खि कथा तक गई निज चकुरे देखी तक अनुभव करार सुविधा पाले। मेरे जीवन की यो पहली लंबी यात्रा मुझे हमेशा याद रखे। मोर जीवन ए प्रथम जी दीघलिया यात्रा इ मोर मन सदाए थाकिबो। हमारी रेल रात के सन्नाटे को चिरती हुई तीव्र गति से गुवाहाटी की ओर बढ़ रही है और आमार रेल खन बर्तमान रातिर अंधार अंधकार फाली तीव्र गतिरे गुवाहाटीर पिने आग बढ़ी आसे और मैं अपनी डायरी के पन्नों में यात्रा की सुखद स्मृतियों को समेट रहा हूँ और मैं कि करी आसो बुली कैसे मैं रातिर इतना शुम गति के हर आगत मोर जी अभ्यास है अभ्यास अनुसरी मोर जी यात्रार अभिज्ञता है अभिज्ञता समूह मैं निजर डायरीर पात लिखी आसो और स्मृतिखिनिक मैं माने सजतने राखिबले एनेदरे चेष्टा करिसु। एनेदरे रोमेन और तेर बंधु 20 गराकी और 2 गराकी शिक्षक सह तेलुके भ्रमण करिसिले और भ्रमण तेलुके जिबिलाक अभिज्ञता लाभ करिसिले ताके इयात वर्णना करिसे गतिके मैं इयाते हामुरिसु। तोमालुके घरत पाठ पढ़िबा और बुझिबले चेष्टा करिबा किबा थाकिले मोक सुधिब पारा। ठीक आछे, धन्यवाद।